नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जीके का पार्ट टू डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत संघ शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका उल्लेख 1 अनुसूची में है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 4, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजव्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ में किस राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? यानी कि भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संसद को, यानी संसद में अगर बिल पास करके हम किसी राज्य को सम्मिलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 10,
वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, जैसे केंद्र की सरकार के लिए अलग से नागरिकता और राज्य की सरकार के लिए अलग से नागरिकता, वहाँ पे सभी राज्यों के अलग अलग नागरिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, पांडिचेरी को किस वर्ष भारत संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1959 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ई जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुगत क्रम से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इन सभी से, यानी कि इन सभी प्रकार से हमारी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।